Hi guys, Learnex में आपका स्वागत है, आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। दोस्तों आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम कुछ ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स सीखने वाले हैं जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आप चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाओ अच्छे से, ताकि आप अच्छे से बयां कर पाओ कि आप कह क्या रहे हैं। तो दोस्तों वैसे भी हम इस चैनल पर क्यों आते हैं? हम इस चैनल पे इसीलिए आते हैं ना, ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाए, अपग्रेड होती जाए और आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह अलग अलग अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करके अपनी इंग्लिश को एक अलग लेवल पे ले जाए। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही वर्ड्स लाई हूँ, चलिए देखते हैं कौन से हैं ये ऐसे वर्ड्स। हमारा आज का पहला वर्ड है आई कैचिंग। आई कैचिंग का क्या मतलब होता है? जब आपकी नज़र किसी चीज़ पर जाती है और आपको एकदम से ऐसे लगता है कि या वाह क्या अच्छी चीज़ है ना, बिल्कुल आपका ध्यान आकर्षित करती है, तो वो होता है आई कैचिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वोर एन आई कैचिंग ड्रेस एट द पार्टी, यानी उसने बहुत ही खूबसूरत, एकदम ध्यान आकर्षित करने वाला ड्रेस पहना था पार्टी में। The bride was wearing eye-catching jewelry, है ना? यानी दुल्हन ने बहुत ही खूबसूरत गहने पहने थे। Of course, दुल्हन अपने शादी में खूबसूरत गहने नहीं पहनेगी तो कौन पहनेगा? दोस्तों हमारा अगला वर्ड है फिशी। यस, फिशी। अच्छा आप गेस कर सकते हैं फिशी का मतलब क्या हो सकता है? फिशी यानी शक भरी चीज़, है ना? जब आपको लगे कि अरे दाल में कुछ काला है, तो वही होता है फिशी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, देर वॉज समथिंग फिशी इन दैट एक्सीडेंट, यानी वो जो एक्सीडेंट हुआ ना उसमें कुछ गड़बड़ ज़रूर थी, दाल में कुछ काला था। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, देर इज़ समथिंग फिशी हियर, यानी आप कह रहे हैं यहाँ आजू बाजू ना कुछ गड़बड़ है, मुझे शक हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। हमारा अगला वर्ड है फ्रॉस्टी। यस, फ्रॉस्टी यानी काफ़ी ठंडी चीज़, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है काफ़ी ठंडा व्यवहार। ठीक है, जब कोई आपकी तरफ या कोई आपकी ओर या जब आप किसी और की ओर जब ऐसा व्यवहार करते हैं तब हम कहते हैं फ्रॉस्टी। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, आप ये कह सकते हैं दैट आई अराइव्ड लेट फॉर द डिनर सो आई गॉट अ फ्रॉस्टी लुक, यानी मैं खाना खाने के लिए लेट पहुंची तो मुझे एकदम से ठंडी नज़र से या फिर एकदम मेरे से ठंडा व्यवहार हुआ, कोई मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। दोस्तों अब बारी आती है उस वर्ड की जिसको हम हिंदी में कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। जी हाँ, रोंगटे खड़े हो जाना को हम इंग्लिश में कहते हैं हेयर रेजिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी टोल्ड अस अ हेयर रेजिंग स्टोरी, यानी उसने हमें रोंगटे खड़े होने वाली स्टोरी बताई। या फिर आप कह सकते हैं दैट मूवी हैड अ हेयर रेजिंग क्लाइमैक्स, यानी उस मूवी का क्लाइमैक्स जो था वो काफ़ी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अब दोस्तों अगला वर्ड है लॉन्ग विंडेड। जी हाँ, लॉन्ग विंडेड का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ काफ़ी सारे शब्दों के साथ, शब्दों को इस्तेमाल करके कहते हो। लिखते वक्त ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है, जब कोई बात आप लिखते वक्त बहुत ज़्यादा शब्दों में इस्तेमाल करते हो, या कभी कभी आप कहते वक्त भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टीचर वॉज नोन फॉर हिज लॉन्ग विंडेड एक्सप्लेनेशंस, यानी वो टीचर ख़ास तौर पर जानी जाती थी बहुत सारे शब्दों में किसी चीज़ को बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, सिखाते हुए। शी वॉज नोन फॉर हर लॉन्ग विंडेड ईमेल्स, यानी वो इसी के लिए जानी जाती थी कि उसके जो मेल्स थे वो काफ़ी लंबे हुआ करते थे। आर प्राइम मिनिस्टर इज़ नोन फॉर हिज लॉन्ग विंडेड स्पीचेस, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ना अपने स्पीच को काफ़ी लंबे शब्दों में कहने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों अगला वर्ड है होल हार्टेड, यानी किसी भी चीज़ को बहुत एक्साइटमेंट के साथ कहना या करना, या किसी भी चीज़ के लिए बहुत खुश होना।
दिल से खुश होना, ठीक है, दहे दिल से खुश होना. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थैंक यू ऑल होल हार्टेडली, यानी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से. आप ये भी कह सकते हैं दैट आई हैड अ होल हार्टेड मील. जी हाँ, ये भी अलग तरीके से यूज़ हुआ है. इसका मतलब है आपने एकदम दिल से खाना खाया और पेट भर के खाना खाया. तो ये था होल हार्टेड. दोस्तों, अगला वर्ड है डॉग ईयर्ड. जी हाँ, डॉग ईयर मतलब वो चीज़, जैसे आप बचपन में जब कोई बुक पढ़ते थे या लिखते वक्त या नोट्स बनाते वक्त, तब आप एक बुक में एक छोटा सा फोल्ड लगाते थे. मैं तो अभी भी लगाती हूँ, जहाँ से आप शुरुआत करना चाहते हो फिर से. तो उस फोल्ड किए हुए पेज को एक्चुअली कहते हैं डॉग ईयर्ड. जी हाँ, क्या आप जानते थे इस चीज़ को? फॉर एग्ज़ाम्पल, माई रूम इज़ फुल ऑफ डॉग ईयर्ड बुक्स. यानी मैंने मेरे रूम में काफ़ी सारे ऐसे बुक्स रखे हैं जहाँ पे मैंने फोल्ड करके रखे हैं पेजेस. या आप कह सकते हैं, वाई आर यू गिविंग मी अ बुक विच इज़ ऑल डॉग ईयर्ड? यानी तुम मुझे ऐसा बुक क्यों दे रहे हो जहाँ पे सब जगह फोल्ड है? आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम बिकॉज यू हैव डॉग ईयर्ड सो मैनी पेजेस. यानी मुझे समझ में ही नहीं आया कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि तुमने इतने सारे पेजेस को तो फोल्ड लगा रखा है. वेल गाइस, तो ये था डॉग ईयर्ड. अगली बार से जब आप कोई ऐसे ही पेज पर फोल्ड लगाते हैं तो आप जानते हो कि इसको क्या कहते हैं, डॉग ईयर्ड. दोस्तों, अब बारी आती है एक ऐसे वर्ड की जो आप जानते हैं, जो कि है सेकेंड हैंड. जी हाँ, सेकेंड हैंड का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल की हुई चीज़, है ना, और आप काफ़ी बार यूज़ भी करते होंगे अपनी लाइफ में. करते हो आप यूज़ ये वर्ड? तो दोस्तों, आपको अगर सेकेंड हैंड कहना है तो आप ऐसे कह सकते हैं, आई एम विलिंग टू बाय अ सेकेंड हैंड बाइक. यानी मैं इस्तेमाल की हुई बाइक ख़रीदना पसंद करूँगी. वाई आर यू गिविंग मी दोज सेकेंड हैंड वर्ड्स? जी हाँ, मैंने यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से ये वर्ड यूज़ किया है. इसका मतलब यहाँ ये होता है कि तुम किसी और के इस्तेमाल किए हुए शब्द क्यों यूज़ कर रहे हो मेरे साथ. यानी तुम किसी और की भाषा क्यों बोल रहे हो, ये मतलब है यहाँ पे इसका. दोस्तों, तो ये थे आपके आज के 8 न्यू वर्ड्स जो आप काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते वक्त यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग विंडेड, डॉग ईयर्ड, है ना. तो ये सारे नए वर्ड्स अब आप अपनी कॉन्वर्जेशंस में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि हम आपको नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह एकदम मस्त से इंग्लिश में बात करने देखना चाहते हैं. ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपने एंजॉय किया है आज का लेसन. मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए लेसन के साथ. तब तक कीप स्माइलिंग, जस्ट बी हैप्पी. दिस इज़ मी मीरा सेइंग बाय बाय.